नमस्कार, टीवी देख रहे हैं आप। मैं विकास गोस्वामी, गोरखपुर के दक्षिणांचल में जिस जगह पे खड़े हैं उर्गुआ बाजार है और यह राम जानकी मार्ग है। योगी जी, जब आप बजट पास करते हैं और उनकी संख्या जब 37 करोड़ या 230 करोड़ होती है, तो वो जो पैसा होता है वो आम जनता का होता है, और जब रोड बनता है तो रोड बनने के मात्र कुछ ही दिनों बाद रोड पे चट्टी जोड़ा जाता है। रोड दिखाइए, इधर लाइए, ये रोड है और ये रोड पे चट्टी जोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही महीना हुआ इस रोड को बने, 1 से 2 महीना मैक्सिमम हुआ होगा और यह रोड टूटना शुरू हो गया। यानी कि जब दोबारा बन रहा है तो उसके लिए भी बजट पास हुआ है। और अब देखिए कि इस रोड की गुणवत्ता क्या है। मैं यह मुद्दा लगातार कई सालों से उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। राम जानकी मार्ग के लिए कल आपने 230 करोड़ रुपया और स्वीकृत किया ताकि यह रोड 10 मीटर चौड़ा हो जाए, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यह रोड बनेगा लेकिन इस बार भी गुणवत्ता के साथ नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो इस बार क्या यहाँ की जनता आवाज़ उठाएगी? क्योंकि अभी मैंने कुई में कवरेज किया, मैंने उर्गुआ बाजार में कवरेज किया और यह उर्गुआ बाजार का चौराहा है, यहाँ पे भी कवरेज कर रहा हूँ। और जब मैं बोल रहा हूँ तो कई सारे लोग इस बात को सुन भी रहे हैं और काफ़ी दिनों से लोग यहाँ के निवासी भी हैं। इस रोड पे दुर्दशा देखे हैं? इस रोड पे दुर्दशा देखेंगे नहीं देखे, बस ये बताइए भैया। बाहर वाले कोलकाता से आए हुए हैं आज, तो यहीं के हैं ना? इस रोड पे दुर्दशा देखे हैं? क्या दुर्दशा रहती है? बहुत खराब रोड है, बहुत अच्छा रोड नहीं है, ठीक है। हाँ। अब सुधार भी बढ़िया नहीं भइल बा। सुधार अच्छा नहीं हुआ है? नहीं जी। एक बहुत ही फेमस दुकान है गजब चाट कार्नर, अब इसका मैं नाम बोल दिया हूँ तो पैसा भी लूंगा प्रचार के लिए। ये बताइए इस रोड की दुर्दशा को आपने देखा है? ये बहुत बड़े भाजपा के समर्थक भी हैं, इधर थोड़ा और आगे आइए जी, बताइए इस रोड की दुर्दशा देखेंगे नहीं? मुझे बताइए इस रोड की दुर्दशा देखेंगे नहीं देखेंगे? देखा है मैंने, आज से नहीं काफी टाइमों से देखा है मैंने। गुणवत्ता के साथ ये रोड नहीं बनता तो तकलीफ होती है आप लोगों को? बिल्कुल होती है, और ये काफी सालों से ऐसा है और सड़कें बनती है और टूटती है। गुणवत्ता के साथ बनना चाहिए नहीं? गुणवत्ता के साथ बनना तो चाहिए, पर हो नहीं रहा है ना ऐसा। तो योगी जी, तो बापी के मुख्यमंत्री, उनसे अपील कीजिए। ये योगी जी उसमें क्या कर सकते हैं भाई? बजट पास कर सकते हैं, कान पकड़ सकते हैं। बजट पास कर सकते हैं लेकिन जो कार्यदायी संस्थाएं उनकी भी तो वो होती है। नहीं तो अगर वो नई जिम्मेदारी से काम करेंगे तो जो घरवा के गार्जियन होते हैं, लड़कवा बदमाशी करी डट बनाए, सबको डांटते हैं, सब पे लगाम, बिना नकेल के कैसे बनाए। भारतीय जनता पार्टी के एक और कार्यकर्ता यहाँ पे, बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी है, विकास पाठक जी नाम के आगे राष्ट्रप्रेमी भी लगा हुआ है। पाठक जी, यह चक्ती जोड़ा गया है अभी, ये कार्यदायी संस्था की गलती के वजह से, गलती भी नहीं कह सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं कह सकते? हमारी पहले आप बात सुन लीजिए, मैं जवाब आपकी बातों का ही दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरे गोरखपुर क्षेत्र में इतनी परियोजनाएं चल रही हैं, काम चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। आप स्वयं भी जगह जगह कवरेज करके कमियां और अच्छाइयां दोनों बता रहे हैं लोगों को। तो इतनी ज़्यादा अभी उधर की सड़कें टूटी थी, बड़ी बड़ी टर्चें गिट्टी जाती थी, यहाँ पे खड़े होने से, ये तो रोड पहले बहुत ख़राब थी, आप भी जानते थे, हम भी जानते थे, शायद हम आप एक ऐसा समय आए थे यहाँ धान भी रोपने का काम किए थे इसी सड़क पे, तो बेहतर हुई है। तो सड़क ट्रक जब लोडे डाल रहे थे, खड़े हो जा रहे थे, तो उसके वजह से कुछ सड़कें बैठ गई थी जगह जगह पे। अभी आप देखे होंगे कुई में जब सड़कें बन रही थी, गिट्टी पड़ रहा था, मिट्टी पड़ रहा था, लेकिन हालत फिर उसी तरह हो जा रहा था, दलदल हो, इसी तरह से यहाँ पे धंस गई थी। 230 करोड़ रुपया कहीं पास हुआ है, गुणवत्ता से सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, टेंडर ही नहीं हुआ सर, अभी उसका टेंडर होगा। 230 करोड़ पार हुआ है, 10 मीटर ये सड़कें और चौड़ी हो जाएंगी। और परम पूज्य महाराज जी के ही प्रयास से उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ मार्केट बड़ा हो, घनी आबादी हो, जाम ना लग सके, इसलिए जहाँ आवश्यकता पड़े उसे 4 लेन भी कर दिया जाए। तो आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से विकास का काम हो रहा है, निश्चित रूप से ऐसा पहली बार देखने को लग रहा है, हमें मिल रहा है। चलिए, तो ये राम जानकी मार्ग मैं दिखा रहा था आप लोगों को कि लगभग सिर्फ 2 महीना हुआ और ये सड़कें टूटना शुरू हो गई। बाकी जो लोग, जब मैं राम जानकी मार्ग का मुद्दा उठाता हूँ और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आरोप मुझ पर लगाते हैं, उन लोगों को एक बार राम जानकी मार्ग पर आना चाहिए। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग करें अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।